हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके देखने को मिले कल रात को। तो कहाँ पे था केंद्र और क्या है डिटेल, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। तो दिल्ली एनसीआर में सोमवार को देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और अन्य क्षेत्रों में रात 10:36 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र था हरियाणा के झज्जर के पास पाया गया। तो कोई तत्काल हताहत या क्षति की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने अंतिम अपडेट में कहा है कि हरियाणा के झज्जर से 10 किलोमीटर उत्तर में 3.7 तीव्रता का भूकंप रात 10:36 पर आया। तो ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट अर्थक्वेक, अगर आप देखेंगे तो ये आप देख पाएंगे 3.7 झज्जर हरियाणा में 5 जुलाई को 22:36:54 यानी कि 10:36 पे यह अर्थक्वेक आया था। तो इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।